पाली क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जो पालघर में हिंसा में मारे गए साधुओं को दीप माला की श्रद्धांजलि अर्पित की। जी हाँ, मंगलवार शाम को ये आयोजन किया गया। घरों पर ही दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखकर खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए किस प्रकार से श्रद्धांजलि देते हुए। दोस्तों, सुमेरपुर न्यूज पर स्वागत है आपका। जी हाँ, जिस प्रकार से पाली शहर में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके तहत नाड़ी मोहल्ला क्षेत्र को, जी हाँ, पूरा सील कर दिया गया। यह महिला हमारे जानकार सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल से आकर यहाँ रही थी और शनिवार को इस महिला का सैंपल लिया गया था जो सोमवार शाम को पॉजिटिव आया। जैसे ही पॉजिटिव आया तो राहुल कोटकी है, उनके आदेश पर, SP राहुल कोटकी के आदेश पर जो थाना अधिकारी है मौके पर पहुंचे और पूरे नाड़ी मोहल्ला क्षेत्र को सीज कर दिया। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मंगलवार को खुद जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन समेत SP व SDM समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने इस क्षेत्र का दौरा किया और चारों तरफ से एक तरह से बैरिकेडिंग करके कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया। आपकी जानकारी बता दूं, जैसे ही ये महिला पॉजिटिव पाई गई तो करीबन दर्जन भर कॉलोनियां हैं इस क्षेत्र के आसपास की, उन सभी में निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। कौन कौन सी कॉलोनियां हैं उसमें आपको बता दूं, बादशाह का झंडा, सिटी डिस्पेंसरी जूना हवाला जिसे कहा जाता है, पल्ली वालों का आवास, चेतना रेस्टोरेंट, केरिया दरवाजा, मोची कॉलोनी, महावीर उद्योग नगर, सिंधी कॉलोनी, संपूर्ण नाड़ी मोहल्ला, इसमें आगमन और निर्गमन दोनों निषेध कर दिए गए। जी हाँ, न तो इस कॉलोनी में रहने वाले बंदे बाहर निकल पाएंगे, न ही कॉलोनी के बंदे जो बाहर से इस कॉलोनी तक पहुंच पाएंगे। और जीरो मोबिलिटी जोन में करीबन 22 कॉलोनी हैं, उनको जिला कलेक्टर ने समायोजित किया, जिसमें मंडिया रोड, रामदेव रोड, कुमारों का वास, न्यू मोची कॉलोनी, पिंजरा पोल, गौशाला, धर्मपुरा दरगाह, गजानन मार्ग, जंगीवाड़ा, भाटी मार्केट, जालोरी दरवाजा, जर्दा बाजार रोड, सराफा बाजार, सोमनाथ मंदिर क्षेत्र, धान मंडी, धौला चौतरा, बैरूघाट, पानी दरवाजा, गौसीवाड़ा, बिड़लों का वास, छोटा बड़ा मूतों का वास, डेंडा वास, नारेलो की पौल, अमरदास जी की गली, रामवास, मोती चौक व पानी दरवाजा शामिल है। जी हाँ, इन सभी को जीरो मोबाइल एरिया घोषित कर दिया। अगर इन नियमों की पालना कोई नहीं करता है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की अधिनियम 2005 के तहत उसके खिलाफ अभियोजन दर्ज किया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से हमारे पास कुछ फोटोज और वीडियोज आए कलेक्टर साहब के दौरे करने के, देखिए किस प्रकार से दौरा करते हुए जिला कलेक्टर। देखिए नाड़ी मोहल्ला क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के दल देखिए किस प्रकार से मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर जो लोग गुजर रहे हैं उन सब से पूछताछ करते हुए, जी हाँ, SDM और जी हाँ जिला कलेक्टर, SP, देखिए बीती रात को जो महिला संदिग्ध क्षेत्र में पाई गई थी वहां पर पहुंचे। देखिए किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने बीती रात के दृश्य हैं जो क्वारंटाइन किए गए, होम क्वारंटाइन किए गए कुछ लोगों को, उनके साथ वालों को, उन सबको बिल्कुल एक तरह से देखिए किस प्रकार से मौके पर पहुंचे खुद थाना अधिकारी। ये आज मंगलवार का दृश्य है, देखिए किस प्रकार से पूरा लॉक किया हुआ, पूरे के पूरे क्षेत्र को लॉक कर दिया गया है, एक तरह से बल्लियां लगाकर, बांस की बल्लियां लगाकर लॉक किया गया है पूरे पूरे क्षेत्र को और किसी की भी आवाजाही इस क्षेत्र में बिल्कुल बाधित कर दी गई है। बाहर से आने वाले कोई नागरिक इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ में देखिए किस प्रकार से खुद जिला कलेक्टर पहुंचे। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात, जी हाँ, गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह पर पुलिस के जवान कोरोना वॉरियर्स की तरह से एक तरह से डायरेक्ट आने जान आवागमन को रोकते हुए जिला कलेक्टर व SP क्षेत्र का दौरा करते हुए। इस संबंध में जो बैठक ली गई वापस SDM द्वारा,
और जो टीमें गठित की गई उस क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों को भेजने का और सर्वे करवाने का और संबंधित जो 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 लोग हैं उनका किस प्रकार से क्वारंटाइन करने का आती थी। आज एक मामला और हमारे सामने पास पेश आया दोस्तों, बर में एक कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई दोस्तों। जी हाँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए DYSP व पाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और बिल्कुल जो गोली लगने की किस प्रकार से डेथ हुई पूरी जानकारी अभी तक कलेक्ट नहीं हो पाई। कहते हैं आपका आपके क्षेत्र में हो सकता है कि कल विद्युत आपूर्ति बाधित रहे। जी हाँ, बुधवार को सुबह 7 बजे से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रह सकती है। सहायक अभियंता जो है विद्युत जोधपुर डिस्कॉम के अमित करोल, उन्होंने हमें बताया कि जो पोमावा है, पुराड़ा है, दोनों गांव साथ ही सुमेरपुर क्षेत्र में श्रीपाल नगर, नीलकंठ रोड, ट्रक ऑपरेटर यूनियन, संजय नगर, थलवा जाव समेत ये जो आसपास का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी दोस्तों।